और लालबाग के राजा पे हमको ये प्लेटफॉर्म मिला, इन्होंने एक्सेप्ट किया, बहुत बड़ी बात है। तो ये मौका मैं कैसे छोड़ सकता था। और हमारा प्रमोशन का आज पहला दिन है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमें यह प्लेटफॉर्म मिला और दुआएं मिली और लोगों का साथ मिला। सबसे पहले तो ये मनोकामना है कि हमने जो फिल्म बनाई है ये लोगों को पसंद आए, क्योंकि हम लोगों के लिए काम करते हैं, और ये फिल्म चले ताकि मैं और फिल्में बना पाऊँ और आप लोगों को और एंटरटेन कर। इस फिल्म में कॉमेडी तो है, ड्रामा भी है, पर जैसे मैंने कहा सबसे ज़्यादा इस फिल्म में हमने अहमियत दी है दोस्ती को, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि घर वाले, माँ बाप और ये सब भगवान देता है, बट दोस्त आप खुद चुनते हैं। और आजकल के जनरेशन के साथ स्पेशली आप कहीं भी चले जाओ, आप मुंबई में हो, लालबाग में हो, मेरठ में हो, बिहार में हो, यू नो आजकल ऐसा हो गया कि अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो आप सबसे पहले दोस्त के पास जाते हैं। तो इस फिल्म में भी ऐसा कुछ होता है कि मेरे दोस्त को तकलीफ होती है और वो मेरे पास आता है, और कैसे मैं उसकी मदद करूँ। मैं कहना चाहूँगा कि लालबाग के लोगों का मुझे बहुत सपोर्ट मिला है, बिकॉज अगर ये लोग सपोर्ट नहीं करते तो मैं यहाँ आ नहीं पाता। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और जैसे मैंने कहा कि मैं लालबाग से हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी आई एम हियर एंड गणपति बप्पा मंगलमूर्ति।